सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में जो 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 काम करते हैं वो बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सो मुसाफिर की इस वीडियो को अगर आज आप लोग देख रहे हो तो आज मैं आप लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। और ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से। प्रोडक्ट है बहुत लाजवाब, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, इसकी दिखाएंगे यूसेज। और इस प्रोडक्ट का मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, जब मैं अपनी लॉन्ग ट्रिप्स करूँगा अपनी गाड़ियों से, और गाड़ियों से नहीं इवन गाड़ी से, क्योंकि मैंने सोच रखा कि हर जगह मैंने जाना है अपनी स्विफ्ट से। सो अभी आने वाली एक और मेरी ट्रिप, और मैंने सोचा था जब मैंने पिछली ट्रिप की थी तब मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि भाई मेरे को एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट और डिवाइस चाहिए जो मुझे अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना है जब मैं ट्रैवल करूँगा। सो आज उसी के बारे में अनबॉक्सिंग करेंगे। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। इसकी इंस्टॉलिंग, इसको लगाते कैसे, ये क्या है, कौन सी कंपनी है, सब बारे में बात कर लेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो प्रोडक्ट की करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये प्रोडक्ट मेरे को 2000 रुपए करीब का पड़ा है। इवन 100 रुपए का मेरे को कैशबैक मिल गया था, तो मेरे को 1900 रुपए का करीब का पड़ा। सो इसकी अनबॉक्सिंग जो है, हम लोग बहुत अच्छे नहीं है अनबॉक्सिंग में, तो सीधे हम तो कैची से कट मारते हैं और उसके बाद इसको फाड़ देंगे। तो इसको खोल देते हैं परफेक्टली, जब ये खुल जाएगा तो गाइस ऐसी कुछ आप लोगों को बॉक्सिंग दिखने वाली है। बॉक्सिंग में लिखा हुआ है बेस्ट टेक। नीचे पढ़े लो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। सो नीचे लिखा हुआ है USB इंटेलिजेंट आइडेंटिफिकेशन, सर्च प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ये एक तरीके से आपकी गाड़ी में जब इंस्टॉल होगा तो ये बिल्कुल आपकी गाड़ी को पूरी तरीके से बिल्कुल हार्मलेस बना देगा, यानी कि आपकी गाड़ी में कोई भी किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट या कुछ नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को ओपन करने के साथ में। यहाँ पर आप लोगों को एक सील टाइप की लगी हुई दिख रही होगी, सो इसको भी काट लेते हैं भाई। ठीक है, इसको भी काट लिया है हमने, और अब करते हैं अपने प्रोडक्ट को ओपन। तो गाइस बेसिकली मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं अब कहीं पर भी दूर ट्रैवल करूँगा, मेरे को दिक्कत क्या होती थी भाई, मेरे को अपना ड्रोन कनेक्ट करना होता था, एक सॉकेट से मेरा अलग से डैश कैम कनेक्टेड होता था, मेरे को मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको चाहिए होता था कि भाई हम लोग भी अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाएंगे। तो देख रहे हो 1 2 3 4 चार तो इसमें चार्जिंग सॉकेट है। इसी के साथ में अगर आपको कोई बड़ी चीज़ें चार्ज करनी, यानी कि लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं तो उसका एक चार्जर अलग से आता है, उसको कनेक्ट करना है, तो एक ही सॉकेट होगा, वो कनेक्ट हो गया तो कुछ और चार्ज नहीं होगा। तो उसके लिए अपने पास एक बहुत ज़बरदस्त फिक्स आ चुका है, और देख लो पूरा ये कितना टाइट है, उसके बाद ही निकलता है। सो एक तरीके से आपको इसमें 3 सॉकेट मिल जाते हैं। तीनों सॉकेट मैं आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ, तीनों सॉकेट चेक कर लो। ओके रिपोर्ट है, बाकी तो लगने के बाद आप लोगों को वीडियो दिखाई दूंगा कैसे दिखने में। इसी के साथ में यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली पूरी वोल्टेज वाली चीज़ लिखी हुई आएगी, और जो क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम है। पीछे आप लोगों को ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये आप लोगों का जो सिगरेट लाइटर वाला चीज़ होता है उसमें लग जाएगा। इसी के साथ में फ्यूज़ भी दिए हुए, देख लो साइड में फ्यूज़ दिए हुए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2 फ्यूज़ और इस बॉक्स के अंदर होंगे। तो प्रीमियम क्वालिटी है, ब्लैक एंड रेड में आपको मिलता है। 7-way सॉकेट अडेप्टर साइड में लिखा हुआ दिख जाएगा। आउटपुट वोल्टेज है DC 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 10 एम्पियर मैक्स। तो जो जो इस चीज़ को समझ सकते समझ लो, नहीं तो बाकी मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। इसी के साथ में आउटपुट वोल्टेज जो है वो है DC 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, और अगर USB आउटपुट देखोगे तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी है कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि आपके जो ये है ना, ये सारे के सारे फास्ट चार्जर वाला काम करने वाले, फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज करेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। और बॉक्सिंग में देखते हैं और क्या मिलने वाला है। तो बॉक्सिंग में ये तो आपकी पन्नी थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपको फ्यूज़ ज़रूर मिलेगा, तो फ्यूज़ है। इसके साथ में आप लोगों को इसकी ऐप और इसके बारे में और चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसमें ऑनलाइन बेसिकली यही है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी वारंटी 1 साल की होगी या 1 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, वो मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा। एंड इसके साथ जो आपको ये पूरा मैनुअल मिलता है, ये आप लोगों को मिलता है इंग्लिश में प्लस चाइनीज़ में, आई गेस या इंग्लिश में ही है, हाँ इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में, देखो चाइनीज़ भी है इसमें। और इसके सिवा बॉक्स जो है वो है बिल्कुल खाली। सो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको अंदर डाल देते हैं, इस कैची को भी अंदर डाल देते हैं, इसको भी अंदर डाल देते हैं, इसको भी अंदर डाल देते हैं, और चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो भाई सबसे पहले ले आता हूँ आपको अपने सेटअप की तरफ। तो जो अभी मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो देखो अपना ये है। सो एक मेरी आईफोन की इसमें चार्जिंग वायर है, और एक मेरी डैश कैम वाली वायर है जिसको मैंने बहुत कम खिंचवाया हुआ है, देख लो केवल इतनी खिंची हुई है, और ये इसमें लग जाती है परफेक्टली, और ये काम करती है, ऊपर आपका डैश कैम ऑन हो जाता है अपने आप ही जैसे ये कनेक्ट होती है। लेकिन क्यों मेरे को अब नए सेटअप की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि मेरा ये है, तो सबसे पहली तो है कि भाई जब ज़्यादा लोग हो तो तब जो है भाई कोई कहता है बैच चार्ज करूँगा यही लगा रहता है। इसके सिवा दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी मैं अपना आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, बाई चांस ये कनेक्टेड है तार,
तो इससे जब ये तार कनेक्टेड होगी तो ये तार हम यूज करते टाइम ऐसे खींच देते हैं। तो आप उधर देख रहे हो, देखते रहना उधर, देखो ये खींच जाती है और यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखो डैश कैम डिस्कनेक्टेड हो गया और इस टाइम पे भाई दिक्कत बहुत होती है, पता चलता नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें लाइट तभी दिखेगी अगर एक सॉकेट हटा होगा। देख रहे हो, अब देखो जब लाइट पूरी हट जाएगी, मतलब पूरा ये जब दोनों सॉकेट हट गए तब आपको लाइटिंग इसमें दिखेगी, नहीं तो अगर एक भी कनेक्टेड है तो पता नहीं चलता कि कनेक्टेड है। जब चला रहे होंगे तार खींची तो ऐसे निकल जाता है ये बाहर थोड़ा सा, और इसमें दिखता नहीं है। इसके सिवा एक चीज़ जो मैं भाई अभी तक यूज़ करता हूँ और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है, वो है ये जैप का। तो इसको कनेक्ट कर दो, इसमें तो पूरा बीच में लाइट जल रहती है, आपको पता चलता रहता है, लेकिन इसको जो है मैं ऐसे करके यूजली यूज़ करता हूँ। लेकिन इससे इसके बाद फिर मेरे को जब भी लैपटॉप चार्जिंग वाली चीज़ चाहिए उसके लिए मेरे को ये नहीं मिलता है। लेकिन स्टिल इसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं i20 में भी इसी को लगा के यूज़ करता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका सेटअप कैसे करूँ। सबसे पहले मैं सेटअप सोच रहा हूँ कैसे सेटअप करूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ और कैसे ये जमता है कि नहीं जमता ये देख लेंगे। लेकिन भाई अपनी लॉन्ग राइड्स के लिए तो एक नंबर की चीज़ हो गई है, 2000 रुपये की वर्थ है कि नहीं वो तो ट्रिप में आपको बता दूंगा, लेकिन स्टिल अब करते हैं इसको रिप्लेस और दूसरी चीज़ लगाते हैं। सो गाइज फॉर अ टाइम बिंग जो है मैंने इसकी प्लेसमेंट कुछ ऐसी कर रखी है, यहाँ पर हमने अपना मेन सॉकेट लगाया देख लो, उसके बाद इसकी सारी वायरिंग मैंने पीछे की तरफ कर दी है, इधर अपनी डिवाइस फिट की है, ये इजी टू मूव है देख रहे हो, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त तो आपको दिक्कत नहीं देगी। इसी के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कैम, तो कैम की वायर नीचे से निकाल दी है। इसी के साथ में अपना जो नीचे ये रोलर है जिसको हम लोग वॉल्यूम अप डाउन के लिए यूज़ करते हैं वो भी परफेक्टली इसके साथ काम करेगा। इसकी प्लेसमेंट अगर आप चाहे निकाल के कहीं और लगाना चाहे वो भी कर सकते हो, इधर इसकी तार लगी हुई है तो इसकी वजह से इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी नहीं, ये इधर ही बना रहेगा और देख रहे हो इतनी मूवमेंट इजी रहती है। और इसी के साथ में कोई डिवाइस अगर कनेक्ट कर रखी है तो वो परफेक्टली इसके साथ काम करेगी। और एक चॉइस और आपके साथ है, इधर से पूरी तारें निकालो अंदर की तरफ से और यहाँ पर रख दो, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पर कर दो, लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या होगी कि भाई ये हमेशा ओपन रखना पड़ेगा और वो थोड़ा सा मतलब मेरे को बढ़िया नहीं लगा। तो योला प्लेसमेंट मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा, आज इसको यूज़ करता हूँ और आप लोगों को शाम तक बता दूंगा कि कैसा रिस्पांस रहा। रिस्पांस जानना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिखना MUSAFIR7811 यानी कि Musafir7811 और तब आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। बाकी देख लो भाई अगर वोल्ट वाली चीज़ सही से काम करती कि नहीं करती, ये देख रहा है आईफोन की यहाँ वायर कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप लोग उधर डिफरेंस देखना, देखते रहो उधर और आप लोगों को एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो देख लो भाई 12 लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है, और जैसे ही आईफोन कनेक्ट हुआ है 12 लिखा हुआ आ चुका है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। यूसेज करके देखते हैं, यूसेज समझ आता है कि नहीं आता है। ये जो बाकी जितनी भी वायरें घूम रही है ना इनकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी वायरें मैंने पीछे कर दी है और दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। इतनी सारी चीज़ आ गई अपने पास, 3 चीज़ आ गई भाई, और क्या चाहिए। ये अपना मेन हब वाले तरीके से काम करेगा, उसके साथ आपको 2 सॉकेट और मिल गए। और सबसे बेस्ट चीज़ दिखाऊँ इसके अंदर, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा एयर टाइट है, देखो मैं तो भाई इसको खोल ही नहीं पा रहा था। देख रहे हो ग्रीन कलर की आपको इसमें लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको तीनों में दिखेगा देखो, और एक नंबर का लग रहा है यार, दिखने में काफ़ी बढ़िया दिख। तो गाइस मेरे से सब लोग कहते हैं कि आप पूरा लाइव टेस्ट करके दिखाया करो, तो मैंने यहाँ पर लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। सो मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मेरे दोनों फ़ोन चार्जिंग में है, मेरा डैश कैम कनेक्टेड है। इसी के साथ में गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि चार्जिंग का क्या सीन इसमें बनता है। तो जो हमारा सॉकेट है वो परफेक्टली बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। इसी के साथ में अब इसको हम ऑन करेंगे। सो ये हो चुका है ऑन और उसी के साथ में हमारा गाना भी चल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13.6 लिखा हुआ आ रहा है, क्या क्या चीज़ें चार्ज हो रही है पहले दिखाया था। ये मेरा कन्वर्टर है, ये बेसिकली पोर्टेबल होता है, अगर आपको कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर ऐसा कोई पोर्ट यूज़ करना है लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए, तो इधर आप लोग देखोगे कि लैपटॉप यहाँ पर चार्ज हो रहा है। अगर फ़ोन के बारे में बात करते हो तो फ़ोन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो फ़ोन जो है परफेक्टली चार्ज हो रहा है, आपको इधर चार्जिंग का दिख जाएगा। अपना आईफोन दिखा देता हूँ, आईफोन जो है 28% बैटरी बची हुई है, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। इसी के साथ में अपने डैश कैम जो है वो ऊपर ऑन है, यहाँ पर चेकआउट कर लो। इसी के साथ में गाइस जो अभी आप लोग देख रहे हो 13.8, जब ये गाड़ी चलेगी तो फिर ये ओके रिपोर्ट हो जाता है। और देखो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, किसी में कोई इशू नहीं है। स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है फ्यूज़ से रिलेटेड तो वो आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को फ्यूज़ चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, दिख रहा है। सो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है और मैं ट्राई करता हूँ कि हर चीज़ का डेमो मैं आप लोगों को दे सकूँ एंड आई होप कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में इजी होगा। भाई मैं ऐसी वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरे को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि यार आप लोगों तक उस वीडियो को पहुँचाना चाहिए। सो मैंने अभी इसको निकाल के आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा तब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा। अगर नॉर्मल डेज में मेरा जैप वाला जो है मैं उसी को यूज़ करूँगा, जैप वाला बढ़िया है, नहीं तो एक एमआई वाला और मेरे पास पड़ा था, मैं उसको फॉर ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। इसकी एक बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि जो इसका
आपका बेसिकली जो सॉकेट है ना, जो बेसिकली जाता है, सो ये बहुत स्नग फिट है, ये निकलता नहीं है, इजीली निकलता नहीं है जब अगर आप हर्डल्स के ऊपर जा रहे हो। यूजली योले जो होते हैं ये हर्डल्स के ऊपर से निकल जाते हैं, योले नहीं निकलेगा। इसी के साथ में मेरे को बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी इसकी लगी। बाकी इसका एक महीने बाद मैं यूसेज का आपको बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक ट्रिप करने वाला हूँ, काम पर करूँगा, पंजाब में कहीं कर रहा हूँ, तो गेस कर लो कहाँ पर जा रहा हूँ, और उधर के लिए आपके लिए व्लॉग आने वाले, क्योंकि व्लॉग्स को आप बहुत प्यार देते हो। इसी के साथ में गाइस, अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा यूसेज आपको एक महीने का पता चलेगा। बहुत ट्रस्टेड कंपनी से ही आता है, बेस्टेक जो कंपनी है उससे ही आता है, तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ में गाइस, अगर आज की वीडियो आप लोगों को छोटी जरूर लगी होगी, लेकिन आई गेस कि कोई लोग अगर चाह रहे थे कि भाई पूरा बढ़िया चीज़ चाहिए, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो इसको अपने i20 के अंदर लगा सकता हूँ, रीज़न बीइंग कि i20 का जो नीचे का स्पेसिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन i20 में ऑलरेडी दो सॉकेट है, एक अपना नॉर्मल दिया हुआ, तो इसमें इतने ज़्यादा मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्टिल अगर आपको ज़रूरत है, आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टिल मैं जो हूँ लॉन्ग ड्राइव्स में इसको पक्का यूज़ करूँगा, जब भी आप मेरे को कहीं पर मिल रहे हो तो आप ज़रूर देखना इसको मेरी गाड़ी के अंदर लगा हुआ। सो इसी के साथ गाइस, अगर आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाना। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है और लगता है कि हाँ भाई वीडियो आप लोगों के कनेक्टिंग कहीं ना कहीं करती है कि भाई हाँ मुसाफिर से हम कनेक्ट कर पाते, तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाना। साथ में अगर सब्सक्राइब करते हो तो भाई तभी करना, अगर कंटेंट आपके मतलब का आपको लगता है कि हाँ भाई हम ये सब चीज़ें समझ सकते हैं और हमारे मतलब की ये चीज़ें हैं। इसी के साथ में मुसाफिर को अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811 फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।